हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबके माता पिता को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक हिंदी का संपूर्ण व्याकरण है। सामान्य हिंदी जो है व्याकरण और साहित्य को हम अच्छी तरीके से भली भांति से समझाने का प्रयास करेंगे और हम व्याकरण को इतना निचोड़ करके बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को एक ही वीडियो में एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन इन हिंदी में। देखिए, कुछ बेसिक फंडा है इसमें। सामान्य हिंदी व्याकरण और साहित्य, व्याकरण और साहित्य को हम समझाने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे देखिए, एक वर्णमाला है, संधि है, समास है, लिंग है, वचन है, कारक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, काल है, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश और रस छंद, अलंकार। यही है। इतनी बातों को आप लोगों को हम बीच में समझाने का प्रयास एक ही वीडियो में करेंगे। हाँ दोस्तों, व्याकरण में आपको सबसे पहले वर्णमाला आता है, जो हिंदी का व्याकरण है। हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला को समझते हैं। वर्णमाला नंबर वन पे वर्णमाला है। वर्णमाला को हम समझते हैं। हाँ दोस्तों, हिंदी का वर्णमाला जो पहला हेडिंग पहला था, हिंदी का वर्णमाला, तो हिंदी का वर्णमाला को हम समझते हैं। वर्णमाला पहले क्या आता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला होता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। वर्ण टोटल 52 अक्षर के होते हैं। वर्ण टोटल कितने अक्षर के होते हैं? यहां देखिए, 52 अक्षर के होते हैं। इसे हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि में इसे लिखा जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, या 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता मिला था। वर्ण यानी अक्षर जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ण है। जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ण है। अब वर्ण के बाद क्या आता है? भाषा की इकाई। अब भाषा की इकाई देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ध्वनि भी होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, लेकिन ध्वनि भी होता है। अब यहां देखिए, वर्ण और ध्वनि दो हैं। तब यहां देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई को हम लोग वर्ण मानते हैं, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या यहाँ पे लिख देना? ध्वनि। क्या लिखना है? ध्वनि को लिख देना। और अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को अगर पूछे, प्रश्न में अगर पूछे, तो यहां आप लोगों को वर्ण लिख देना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। सार्थक इकाई का मतलब क्या होता है?
जिस भाषा को बोलने से कोई अर्थ निकले, सार्थक माने अर्थ सहित, जिस भाषा को बोलने से जिस शब्द को बोला जाता है उसका अर्थ निकले, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम लोग शब्द बोलते हैं। जैसे कि यहां मान लीजिए हम शब्द वर्ण जोड़ के बना रहे हैं, देखिए देखिए क ल स। अब यहां देखिए क ल स, अब कलश हम लिख दिए यहां पे ये शब्द, तो यहां कलश हो गया, क्या हो गया कलश। अर्थ निकल रहा है ना। अब यहां देखिए ज त न, तीन अक्षर को जोड़ दिया शब्द बन गया। अब शब्द का अर्थ निकल गया जतन है, तो जिस शब्द को लिखने से कोई अर्थ निकाला जाए उसे हम लोग भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। अब यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए कि वर्णमाला, जो वर्णमाला है वर्ण
हाँ दोस्तों, देखिए स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए स्वरों के प्रकार मुख द्वार खुलने के आधार पे, मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चार होते हैं। देखिए संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। ये संवृत में ई उ, ये देखिए यहाँ पे जो संवृत स्वर है ये मान लीजिए पूरी तरह से, पूरी तरह से मुख बंद मान के चलो, ये माने पूरी तरह से मुख बंद समझ लीजिए, ये ई है जो उ है, ये पूरी तरह से मुख बंद की तरह समझ लीजिए बोला जाता है। और अर्ध संवृत, अर्ध संवृत क्या है? ए ऐ, ये अर्ध आधा खुला हुआ, ए ऐ, रुका रहे हो, रुक गए। संवृत में ये पूरी तरह से मुख बंद मान के चलिए, जो ये चार अक्षर, इनकी संख्या कितनी है? ये चार है, टोटल चार संख्या है, ई ई उ उ। और जो अर्ध संवृत है ये आधा मुख खुला हुआ, ये आधा आधा मुख खुला हुआ। ए ओ, ए ओ, ए आधा मुख खुला हुआ है। और जो ये विव्रत है, विव्रत स्वर देखिए आ, ये पूरी तरह से, यहां पूरी तरह से माने पूरा मुख खुला खुला हुआ, ये पूरा मुख खुला हुआ। और ये जो अर्ध विव्रत है ये आधा मुख, देखिए यहां पे आधा मुख खुला हुआ, आधा मुख खुला हुआ, इसकी संख्या कितनी है? दो है, इसकी संख्या दो है, और इसकी संख्या भी दो है, और इसकी संख्या एक है। ये हो गया मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वरों के प्रकार, ये मुख द्वार खुलने के आधार पे। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से मुख बंद है, और यहाँ अर्ध संवृत में आधा मुख खुला हुआ, ये विव्रत में पूरा मुख खुला हुआ, और अर्ध विव्रत में आधा मुख खुला हुआ। अब उसके आगे देख लीजिए व्यंजन आता है, उसके आगे क्या आता है? व्यंजन आ गया। व्यंजन में हम लोग पीछे देखे थे कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की संख्या, मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया कि व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या हम लोग 33 माने 33 होती है। व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब यहाँ पे आगे आप व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद में पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन को देख लीजिए, स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ग हैं? इस यहां प्रश्न आ गया, स्पर्शी व्यंजन में कितने, स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ग हैं?
अब स्पर्शी व्यंजन में कितने वर्ग हैं, तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ग हैं। उत्तर कितना रहेगा? 5 वर्ग है या होते हैं, लिख दे होते हैं। केवल यहां 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में देख लीजिए कौन कौन से वर्ग हैं। पहला हो गया क वर्ग, दूसरा हो गया च वर्ग, तीसरा हो गया ट वर्ग, चौथा हो गया त वर्ग, पांचवा हो गया प वर्ग। अब एक क वर्ग में जितने अक्षर हैं, अब यहां देख लीजिए क ख ग ग घ अंग, ये हो गया क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण है, क वर्ग में 5 वर्ण है, ऐसे ही च वर्ग में भी 5 वर्ण है, ट वर्ग में भी 5 वर्ण है, त वर्ग में भी 5 वर्ण है और प वर्ग में भी 5 वर्ण है। टोटल 25 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण होते हैं? वर्ण 25 वर्ण होते हैं। अब यहां दूसरा देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण है देख लीजिए, य र ल व, टोटल 4 है। टोटल कितने हैं? 4 है और इसमें टोटल कितने हैं? 25 है। और देखिए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में कितने हैं? स स स ह, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब देख लीजिए 25 और 8 कितने होते हैं? 33। व्यंजन जो यहां लिखा गया है देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो ये देखिए स्पर्शी व्यंजन 25 हो गया, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया, उष्म व्यंजन 4 हो गया। टोटल करने पे कितना आएगा? 33 यानी 33। अब स्पर्शी व्यंजन को देखिए, हम समझते हैं यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण होते हैं। कितना होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। अब यहाँ वर्ग केवल 5 होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं, कंठ द्वारा बोले जाते हैं, क ख ग घ अंग, एक कंठ द्वारा बोला जाता है। एक एक अक्षर बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, एक कंठ द्वारा बोला जाता है, इसे हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो च वर्ग है, ये तालु तालु द्वारा बोला जाता है, तालु, च छ ज झ इय, च छ ज झ इय बोल के देखेंगे तो ये तालु द्वारा बोला जाता है। और ट वर्ग, ये मूर्धा है, ये देखिए मूर्धा, ट थ ड ढ, माने जीभ को मोड़ा जाता है, मोड़ देता है जीभ को, ट ठ ड ढ अड़, इसलिए ये मूर्धा बोला जाता है। त वर्ग, ये त वर्ग जो है ये आगे देखिए दांत, दांत पे आता है, देखिए त दांत आता है जीभ पे, त थ द ध न, माने ये सब वर्ण बोलने के लिए जो दांत है वो जीभ पे टकरा के बोला जाता है, इसलिए त थ द ध न, ये दांत हो गया, दांत द्वारा बोला जाता है। प वर्ग जो है ओठ द्वारा, प वर्ग क्या है? ओठ, इसको ओष्ठ कहते हैं, तो ओठ द्वारा बोला जाता है प वर्ग को, प प माने देखिए ओठ द्वारा बोला जाता है, प फ ब भ म, इसमें भी 5 वर्ण है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 25 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। यहाँ अगर प्रश्न पूछ लीजिए लिया जाए
कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो टोटल 25 वर्ण होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं तो यहां उत्तर लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा 5 वर्ग। अब स्पर्श व्यंजन में देख लीजिए आगे, इसके स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, यहां पे देख लीजिए स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, हिंदी वर्णमाला के शुरुआती 25 व्यंजन अर्थात क से लेके म तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप यहां देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन इतने हैं, स्पर्श व्यंजन इतने हैं क से लेकर। अब यहां उत्तर आप लिख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, टोटल 25 होते हैं, लेकिन क से लेकर, यहां से लेकर क से लेकर म तक, यहां से लेकर, यहां से शुरुआत किया और यहां तक म तक के सभी वर्ण, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ ढ ट थ द ध न प फ व भ म, टोटल कितने हो गए, 25 वर्ण हो गए। हाँ बच्चों, इसके पहले जो देखे स्पर्श व्यंजन, इस स्पर्श व्यंजन में अगर प्रश्न आ जाए स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर कौन होता है, स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर कौन होता है, तो जो क वर्ग है, क वर्ग का जो पहला अक्षर क होता है वही अक्षर होता है, क क्या होता है, स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर क होता है। और स्पर्श व्यंजन का आखिरी वर्ण कौन होता है अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में, तो उसका जो प वर्ग का अंतिम अक्षर है प फ ब भ म, अंतिम अक्षर के कौन सा है, म होता है। स्पर्श व्यंजन में आखिरी अक्षर म होता है और पहला अक्षर क होता है। ये दो प्रश्न आ गया, इसमें से मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है तो यही पहला अक्षर क होगा और अंतिम अक्षर म होगा। अनुनासिक देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अब अनुनासिक में कितने अक्षर हैं ये देख लीजिए, अंग य ण न म, जो स्पर्शी व्यंजन का, जो स्पर्श व्यंजन का क वर्ग का अंतिम अक्षर, च वर्ग का अंतिम अक्षर, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, इन पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर, इन पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर क वर्ग का अंग हो गया, च वर्ग का यह हो गया, त वर्ग का अड़ा हो गया, ट वर्ग का न हो गया और प वर्ग का म हो गया, तो पांचों वर्गों का अंतिम अक्षर यही अनुनासिक अक्षर है। यहां देख लीजिए क ख ग घ अंग, अब अंग का ए आखिरी अक्षर, च छ ज झ ई, अब ये भी आखिरी अक्षर, ट वर्ग का ये भी आखिरी अक्षर, ए त वर्ग का ये भी आखिरी अक्षर, प वर्ग का ये भी आखिरी अक्षर। अब इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, यह जो क वर्ग का पांचवा अक्षर है उसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर या अंतमाक्षर, पंचमाक्षर या अंतमाक्षर, क वर्ग का अंतमाक्षर, च वर्ग का अंतमाक्षर, ट वर्ग का अंतमाक्षर, त वर्ग का अंतमाक्षर और प वर्ग का अंतमाक्षर या पंचमा अक्षर भी कहते हैं, उनको हम अनुनासिक अक्षर भी कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, अयोगवाह, अयोगवाह, अब वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में हो और न तो व्यंजन में हो,
वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वर में की जाती है न तो व्यंजन में की जाती है, वो अयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। ये कौन कौन से अक्षर हैं देख लीजिए, अंग अह। कौन कौन से अक्षर हैं? ए अंग और अह। उसके आगे देखिए उत क्षिप्त व्यंजन, उत क्षिप्त व्यंजन, उत क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण है देखिए, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग माने जीभी को आगे वाला हिस्सा, अग्रभाग यानी नोक एक झटके के साथ नीचे गिरता हो, उन्हें उत क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या देख लीजिए दो है, इनकी संख्या दो है, अंग और अढ़। देखिए अंग बोलने के लिए झटके के साथ जीभी का जो नोक है वो झटके के साथ नीचे गिरता है, अंग और ढ ढ ढ ढ को ढ बोला जाता है। तो एक झटके के साथ जो आता है जीवा टकराता है वही अंग और अढ़ है। उसके आगे प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में दो तीन बार कंपन होता है, जो जिह्वा में दो तीन बार कंपन होता है, उन्हें प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? एक है र। देखिए र, ये जो र है र र र, तो ये र जो है दो तीन बार जिह्वा में दो तीन बार कंपन होता है, इसलिए हम इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए पाचिक व्यंजन, पाचिक व्यंजन में क्या है? एक। इनकी संख्या क्या है? एक है, जिसको हम ल कहते हैं, ये ल है। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन में चार अक्षर हैं, छ त्र ज्ञ और स्र, छ त्र ज्ञ और स्र। अब इसमें देखिए हम कैसे छ बनाते हैं, क, अब देखिए हलंत, क में हलंत लगा प्लस स, क में हलंत लगा के प्लस स किए तब ये छ बना। क्या बना? छ बना। अगर हम इंग्लिश में कोई अक्षर लिखेंगे, अगर इसका इंग्लिश लिखेंगे तो हम इसके पहले हम देखते क लिखते हैं, के लिखते हैं, इसीलिए के लिखते हैं। ये छ अगर लिखना होगा, हिंदी का जो छत्री वाला छ है अगर अंग्रेजी में लिखा जाता है तो देखिए कैसे लिखा जाता है, के एस एच। अब देखिए ऐसे लिखा जाता है, तो यहां इसीलिए हम क में हलंत दिया उसके बाद स लिखा है, तब ये छ। अब इसके आगे अक्षर क्या हो गया, देखिए यहां पे अक्षर, यहां छ आ गया। अब त्र में, त में हलंत लगा के प्लस र है तब त्र बना। अब यहां देखिए नक्षत्र, ज्ञ ज प्लस ज हलंत प्लस, हलंत जरूर लिखिएगा, पहले हलंत लगेगा, इसमें हलंत लगा रहता है, हलंत लगेगा, ज हलंत प्लस ई ज्ञान हो गया अक्षर, स्र स हलंत प्लस र बराबर श्रवण। यहां देखिए ये श्रवण हो गया, यहां और यहां,
दंतोष्ठ व्यंजन, देखिए दंतोष्ठ व्यंजन में दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन इनकी संख्या एक होती है, इनकी संख्या एक होती है जिसको हम व कहते हैं, जिसको व कहते हैं। ये यहाँ देखिए दांत प्लस ओष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ से दंतोष्ठ बना, दांत प्लस ओष्ठ से दंतोष्ठ बना, इसकी संख्या क्या है एक है व। उसके आगे देखिए काकल्य व्यंजन है, काकल्य व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है, इनमें ह शामिल है। इनमें क्या शामिल है, ह शामिल है, ह जबकि उष्म व्यंजन में शामिल होता है, उष्म व्यंजन में भी ह शामिल। उष्म व्यंजन में देखिए चार वर्ण आते हैं स स स ख स ह, यानी कि चार वर्ण हैं। उसके बाद भी हम काकल व्यंजन क्यों कहते हैं, काकल व्यंजन ह को इसलिए कहते हैं जितनी हवा ह को बोलने में पास करती है उतनी स स स को बोलने में पास नहीं बल्कि ज्यादा करती है। उस ये जो स स स है इसमें उष्मा ज्यादा लगती है लेकिन ह में कम उष्मा लगती है, इसलिए हम ह को काकल व्यंजन कहते हैं। लेकिन उष्म व्यंजन में ये चारों वर्ण शामिल हैं। इसके आगे देखिए आगत व्यंजन, आगत व्यंजन क्या है, आगत व्यंजन देखिए दो वर्ण है, यहाँ एक देखिए ज है एक फ है, ज्यादातर उर्दू शब्द में प्रयोग होता है। तो ज के पहले देखिए नीचे एक बिंदी लगाया गया है, यहाँ एक बिंदी लगाया गया है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ, या तो उर्दू शब्द में ज्यादा प्रयोग होते हैं और संस्कृत भाषा में भी प्रयोग होता है ये सब अक्षरों का, लेकिन जहां देखें लिखा रहेगा ज और ये फ, ये नुक्ता जो है नुक्ता ही, इसको नुक्ता भी कहते हैं हम लोग, कहते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में केवल दो वर्ण है ज फ। हाँ साथियों, ये जो हमारा संपूर्ण व्याकरण का वीडियो है इसको अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है बेसिक एजुकेशन इन हिंदी। ऐसे ही जुड़े और इसके आगे का भी चैप्टर हम बताएंगे, अभी तो केवल वर्ण से संबंधित बताए हैं, वर्णमाला केवल बताए हैं, उसके आगे का जो चैप्टर है आगे का भी चैप्टर हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।